जब हमारे इधर मोटरवे नहीं थी तब तो हमारा गांव काफ़ी पसमानदा इलाका था, और अब जब से मोटरवे आई है माशाल्लाह बहुत अच्छा खुशहाल हमारा गांव बन गया है। मोटरवे आने से सुई गैस भी आ गई हमारे गांव में, हाउसिंग सोसाइटीज़ भी मर रही हैं जिसकी वजह से गांव में लोगों को रोज़गार की सहूलतें भी मिल रही हैं, अच्छी घर बनाने का मौका भी मिल रहा है। दूसरे लोग गाँव से उठ के ज़्यादा लोग इधर आ रहे हैं और काफ़ी वो क्या कहते हैं आबादी हो रही है हमारे गांव। जुग्राफी तौर पर फैसलाबाद पाकिस्तान के वस्त में वाक़ है। शुमाल की तरफ ये M3 और M2 के ज़रिए तमाम अहम शहरों से मुंसलिक है, जबकि जनूब की तरफ M4 इसको मिलाएगी। ये रूट इस वक्त मौजूद तरीन शॉर्टकट होगा जिसकी वजह से शुमाल और जनूब के दरमियान फासले को तकरीबन 250 किलोमीटर कम किया जा सकेगा। जब मोटरवे नहीं थी तो तकरीबन 1.5 दिन लगता था इस्लामाबाद जाने के लिए, और लाहौर में जाने के लिए सुबह को निकलते तो शाम को उधर पहुंचते थे, किराया भी ज़्यादा लगता था, वक्त भी ज़्यादा खर्च होता था। अब लाहौर जाने के लिए सिर्फ 3 घंटे का वक्त दरकार होता है और इस्लामाबाद में जाने के लिए सिर्फ 6 घंटे का वक्त, इतने में हम लाहौर इस्लामाबाद में पहुँच जाते हैं। रोड्स कनेक्ट डिफरेंट सिटीज डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एज वी आर कनेक्टिंग रोड टूवर्ड चाइना, इट विल इंक्रीज आर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, एज आर एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज आर रेवेन्यूज ऑल्सो इंक्रीज विच आर बेनिफिशियल फॉर अस। सो रोड्स आर वी कैन से इन वर्ड्स दैट इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन सिटीज एंड कंट्रीज विच इज बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। M4 जो है ये फैसलाबाद से खानेवाल तक है, 184 किलोमीटर है, और जो एंटायर M4 है वो फैसलाबाद से मुल्तान तक है। इसमें से फैसलाबाद से खानेवाल तक एशियन डेवलपमेंट बैंक से असिस्टेंस लेकर बन रहा है। Pakistan has tremendous potential to be a transit country, particularly for Central Asia, but that of course requires that the transport infrastructure is upgraded. We have a major initiative which is called the National Trade Corridor Highway Improvement Project, and that includes, as you mentioned, the M4. ADB is financing this, but not only are we financing the road, we're actually also doing some economic work, for instance, to see what is the economic impact of the road.